नमस्कार करियर लॉन्चर डेली बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है मैं प्रीति सागर आज आपके लिए एक डेली बुलेटिन लेके आई हूं जिसमें हम याद करेंगे भीकाजी कामा को सो रिमेंबरिंग भीका कामा हु हैज फर्स्ट इंडियन फ्लैग तो क्या है इनके बारे में कौन सी जानकारियाँ हैं चलिए हम उसको आगे डिस्कस करते हैं सो बीका कामा शी वॉज अ पारसी शी वॉज अ रिवोल्यूशनरी हु प्लॉटेड सावरकर्स एस्केप एंड रेस्ट फर्स्ट इंडियन फ्लैग सो so, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे इनका जन्म 24 सितंबर 1861 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 13 अगस्त 1936 को हुई थी ये इनका जीवन काल रहा है और इस जीवन काल में इन्होंने बहुत सारे ऐसे रेव्यूशनरी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया है तो वो क्या है हम उनके बारे में धीरे धीरे चर्चा करेंगे तो पहला जो है हॉस्टिंग ऑफ फ्लैग मतलब इन्होंने झंडा फहराया जो इंडिया का झंडा जंड, झंडा था उसको फहराया गया इसके बारे में मुख्यतः हम चर्चा करेंगे तो क्या था ट्वेंटी फर्स्ट ऑगस्ट नाइनटीन जीरो सेवन सो इक्कीस अगस्त उन्नीस सौ सात को जो भारत का झंडा है मुख्यतः ये पहला झंडा था या पहला ऐसा अवसर था जब भारत के झंडे को फहराया गया था और कहा फहराया गया था फॉरेन सॉयल मतलब एक विदेश भूमि पर जिस जो जगह थी वो था स्ट जर्मनी सो यहां पर क्या था यहां पर एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस चल रही थी जहां पर भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत किया जा रहा था और क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो झंडा है वो यूनियन जैक था सो जब झंडे को फहराने की बात आई तो यूनियन जैक को फहराने फहराने की शुरुआत की वहां पर एक कह सकते हो कि एक साधारण सी स्त्री जिसकी पीछे से आवाज आती है कि रुको यह भारत का झंडा नहीं है <coughs> उन्होंने उन्होंने बोला, उनने इसका विरोध किया सबकी आंखें उन पर थी कि आखिर कौन है जो इसका विरोध कर रही है बहुत ही एक साधारण सी स्त्री है तो उन्होंने क्या बोला इसके बारे में हम बात करेंगे इन्होंने ये बोला, ये भारत का झंडा है और देखो इसके इसका जन्म या इसका इसकी शुरुआत हो चुकी है तो ये जो झंडा है अगर हम इसके बारे में बात करें तो इस झंडे को बेसिकली आप कह सकते हो कि ये जो हमारा भारत का तिरंगा है तो ये कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत थी उसका प्रिकर्सर था जो कि 1947 में जब भारत के झंडे को अपनाया गया तो कहीं ना कहीं उससे इसके इसका आ, एक जो आ, आ, आप कह सकते हो कि जो इंस्पिरेशन है वो यहाँ से ली गई थी इसके अलावा जो ये झंडा है इसको बोर्लिन कमेटी फ्लैग भी बोला गया क्योंकि बोर्लिन बर्लिन कमेटी उस समय की एक रेवोल्यूशनरी कमेटी हुआ करती थी और ये सारे रेवोल्यूशनरीज उसके uh, हि, उसका हिस्सा हुआ करते थे तो इस फ्लैग को भी बर्लिन कमेटी फ्लैग का नाम दिया गया और इसका इसके डिज़ाइन के पीछे बीकाजी कामा इनके साथ श्याम जी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर थे अब इसके अलावा अगर हम उनके जीवन काल की बात करें या उनके रेवोल्यूशनरी एक्टिव एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो क्या क्या थी सो so, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक सोशल वर्कर या एक फिलंथ्रॉफिस्ट के तौर पर जिया और काफ़ी सारे सोशल सर्विसेज की थी जब प्लेग आया तो वहाँ पर उन्होंने अपना सारा लग्जरीज जिंदगी की सारी लग्जरीज को त्याग करके और लोगों की सेवा में अपना जीवन बिताया इसके अलावा इन्होंने ह्यूमन राइट्स और ब्रिटिश रूल से आज़ादी की भी बात की तो जो एक क्रांति थी वो ब्रिटिश रूल से आज़ादी और इसके अलावा जो जो ह्यूमन राइट्स है उसके बारे में इन्होंने चर्चा की और वूमेंस राइट्स की भी इन्होंने मांग की थी कि महिलाओं को भी कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए और उनको वोट का अधिकार या सफरेज आप कह सकते हो वो भी दिया जाना चाहिए इसीलिए इनकी जो जो व्यक्तित्व था इनका जो व्यक्तित्व रहा है वो काफ़ी पॉपुलर रहा है रशियंस इनको इंडियन जॉन ऑफ आर्क कहा करते थे जिसको इंडियन रेवोल्यूशनरीज ने ट्रांसलेट किया एज मदर ऑफ़ द रेवोल्यूशन मतलब वो जैसे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है सो शी वॉज मदर ऑफ रेवोल्यूशन विनायक विनायक दामोदर सावरकर की जो किताब थी जो उन्होंने 1857 के प्लॉट पर लिखी थी द नेम ऑफ द दैट बुक वाज फर्स्ट वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस जिसको ब्रिटिश सरकार ने आउटलॉ कर दिया था वो भारत में बिकना बंद हो चुकी थी तो इन्होंने क्या किया इन्होंने इसको इलीगली स्मगल किया इलीगली इसलिए क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज अ लॉ उसको इंडिया में बैन कर दिया था उसकी जो बिक्री थी वो बंद हो चुकी थी लेकिन ताकि ये बुक लोगों तक पहुँचे इस बुक की व्यूज़ है वो लोगों तक पहुँचे इसके लिए उसको इलीगली स्मगल किया गया था जिसका बीड़ा किसने उठाया था भिकाजी कामा ने यह उनकी कुछ शख्सियत रही है इसी के साथ थैंक यू सो मच हैव एन आई स्टे टेक केयर